top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. What's your reaction on proposed Advocates Amendment Bill 2017? Yeah, this amendment bill, advocate amendment bill, is totally wrong. And this is the, even our, we in Supreme Court we met together and we did some conference regarding against this bill. हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ पर जो है रिबन बांधते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, आंदोलन नहीं कर सकते. तो हम लोगों ने सबने यहाँ पर रिबन बांध के जो है पूरे मैसेज दिया पूरे कंट्री को कि ये गलत है इस कंट्री में. क्योंकि उसमें यह है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही आर्गू करेगा इतने साल काम करने, अब वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए. मेरा ये कहना है कि जब भारत एक जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इस इंडिपेंडेंट कंट्री में जब सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन आर्गू कर सकता है कोई व्यक्ति, आजकल के न्यू कमर जो सुप्रीम कोर्ट में जो बच्चे नए आ रहे हैं वो सब न्यू कमर्स हैं, ट्रेनी हैं. तो वो जो ट्रेनी है, न्यू कमर्स जो बच्चे हैं, वो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं. दे आर डूइंग गुड जॉब, दे आर वर्किंग विद द सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड सम क्लर्कशिप है, इंटर्नशिप है, दे आर वर्किंग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, मोर देन वो जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट. और जब 22 ईयर्स में एक लड़की IAS ऑफिसर बन सकती है, IAS टॉप कर सकती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया जाता है जिले का, वो इतने हजारों लाखों लोगों की लाइफ को हैंडल करने के लिए मिलता है. तो एक बच्चा जो LLB करने के बाद 22 ईयर का है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गू कर सकता है, भारत की किसी भी कोर्ट में आर्गू कर सकता है. और इसलिए अगर ऐसा करने से जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, वो नहीं आएगा. ये मेरा है, और ये गलत है, टोटली गलत है ये बिल. ऐसा बिल पार्लियामेंट को पास नहीं करना चाहिए. और हिस्ट्री में जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी है, बिल्टी बिल है, ये बिल है, शायद ये बिल जैसे ही पार्लियामेंट पास करेगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा. सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि अल्ट्रा वायरस कर दे इसको, क्योंकि अभी तक ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में के नॉलेज में अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने, मुझे लगता कि किसी ने PIL फाइल करी हो इस पर. और ये गलत है, ऐसा बिल नहीं आना चाहिए. और रही बात एडवोकेसी की, इस देश में कुछ क्लाइंट बड़े बदमाश होते हैं. मैं लॉयर हूँ, मैं आई एम आई विटनेस. मेरे पास आज तक बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक फीस नहीं दी मुझे. मैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मैंने SLP फाइल करी है, बल्कि काफ़ी सारे क्लास वन ऑफिसर हैं उनके 25,000 में SLP फाइल करी, अपनी जेब से 50-50 हज़ार रुपये खर्च करी है मैंने. कुछ क्लाइंट बड़े बदमाश होते हैं और कुछ लॉयर भी बदमाश हैं. तो इन सब का सॉल्यूशन है ऑलरेडी. जब एडवोकेट एक्ट में आपको कोई लॉयर अगर आपके साथ कुछ गलत करे तो आप बार काउंसिल में जा सकते हैं, आपका कोई क्रिमिनल FIR कर सकते हैं. सारे लॉज ऑलरेडी हैं, तो नए लॉ की कोई आवश्यकता नहीं है. अननेसेसरी इसमें जो है अननेसेसरी लॉयर भी अपना काम, लॉयर का एक काम बहुत बहुत हेक्टिक है. मैं रात के 3-3 बजे तक जगे रहता हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, 3-4 घंटे सोता हूँ. इतना रिसर्च वर्क, इतना हार्ड वर्क, इतना ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, इतने सारे, तो लॉट्स ऑफ वर्क. तो अननेसेसरी लिटिगेशन में एडवोकेट पड़ जाएगा, अननेसेसरी लिटिगेशन में आ जाएगा, तो वो फिर को अपना काम नहीं कर सकता. वो एक को जस्टिस दिलाने के चक्कर में लाखों लोगों को जस्टिस नहीं दिला पाएगा. तो ये इस तरह का, ये बहुत गलत जो बिल पास हुआ है, बहुत गलत है. अच्छा, SC इज गोइंग टू बिगिन द हियरिंग ऑफ ट्रिपल तलाक फ्रॉम मे, सो व्हाट्स योर रिएक्शन? या दिस इज द कॉमन वर्ड. इफ यू कैन आस्क एनीवन, आई एम अ लॉयर, इफ यू आस्क मी, और इफ यू आस्क एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एवरी सिटीजन से दिस इज द